तुम हमें बदनाम कर दोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे है? ऐसा लगता है भोजपुरी सिनेमा के स्टार हैं, गाना बनाएंगे। हाँ बनाएंगे क्या, बना दिया है, अब भी शान सिटी रिएक्शन देंगे। वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज शान सिटी, फॉर वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई वुड लव इफ यू सब्सक्राइब राइट नाउ। हमारे नोटिफिकेशन दिख रही है, बज आल्सो वी इट कनेक्ट एंड यू डोंट मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। तो आज बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हैप्पी दिवाली है, मेरा बर्थडे है, पवन सिंह का गाना भी आया जिसका आपने मुझे पहले ही बताया था कि भाई कल सुबह 5-7 बजे गाना आने वाला है। कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे, कई लोगों ने यूट्यूब पे बता दिया था और बोला था कि भाई रिएक्शन देना फटाफट। थोड़ा टाइम लग गया, सुबह 7 बजे कौन गाना डालता है, मतलब मैं उठता 10-11 बजे, मैं 10-11 बजे उठा, उससे पहले ही मुझे मैसेज आ चुके थे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, भाई गाना आ चुका है, रिएक्शन दो ना, रिएक्शन कीजिए ना, रिएक्शन करो भाई, रिएक्शन कर। कितने सारे लोगों के मैसेज आ गए थे और मुझे अच्छा भी लगता है देखकर। गाने के टाइटल की अगर बात करें, बदनाम कर दोगी, और मुझे एक ने बताया था कि ये डिस गाना है शायद अक्षरा सिंह पे, क्योंकि अक्षरा सिंह और पवन सिंह का, अक्षरा सिंह पवन सिंह भाई बहन नहीं, हाँ भाई सिंह कास्ट उनकी एक जैसी है, लेकिन इन दोनों में कुछ खलपत हुई थी, कुछ गड़बड़ हुई थी, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, और अब पवन सिंह का गाना है बदनाम कर दोगी तो शायद ही उनके ऊपर हो। और इससे पहले पवन सिंह का गाना आया था जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, जब मैंने उसका रिएक्शन बनाया था, गाना कौन सा था याद है आपको यार? हमारा वाला डांस करत इंडिया, यूपी वाला डांस, पवन वाला डांस, ईशान वाला डांस। और उस गाने पे मेरे रिएक्शन पे 1 लाख से ऊपर व्यूज़ हैं। अब ये गाने का देखते हैं कैसा स्टैंडर्ड होगा। वो गाना बिल्कुल एक बॉलीवुड सॉन्ग लग रहा था, मतलब एक अच्छे लेवल का सॉन्ग लग रहा था। देखते हैं अब ये कैसा है, डिस तो नहीं बोलूँगा, अक्षरा सिंह के ऊपर है ये क्या है। दो लड़कियाँ हैं, पिछली बार तो एक लड़की थी बहुत हॉट सी, इस बार दो लड़कियाँ, देखते हैं वो कितनी हॉट है और कैसा है वीडियो लगता है, कैसा है गाना लगता है। तो ज़्यादा समय लेंगे नहीं, जल्दी जल्दी गाना सुनेंगे और मज़े करेंगे और डांस कर लेंगे पवन वाले, लेकिन गाना तो बदनाम कर दोगी। लेट्स गो। अच्छा देखते हैं चैलेंज, ये पीछे की स्टोरी दिखा रहे कुछ चैलेंज चैलेंज। दो हीरोइन है, एक पवन सिंह, बीच में किशन का नहीं है बने, दोनों अच्छी हैं। तोहरा सिवाय और कोई भाता नहीं, अच्छा और किसी का ख्याल आता नहीं, झूठी झूठी लव यू ना, दोनों पीछे बढ़िया। तोहरा सिवाय और कोई भाता नहीं, और किसी का ख्याल आता नहीं, हंसा के फंसा के अपना काम कर लोगी, नाम जोड़ के, नाम जोड़ के हमसे अपना नाम कर लोगी, तुम मुझको बदनाम कर अरे बढ़िया गाना है, नाम जोड़ के हमसे अपना नाम कर लोगी, बात लग रहा है, बाद में तुम मुझको बदनाम कर दोगी, ऐसा नहीं है, तुम यार हो हैं श्रृंगार हो, तुम यार हो श्रृंगार हो संसार हो, सच कहती हूँ चला है पहले तुम सबको टटोलती हो, यही डायलॉग सारे लड़कों से बोलती हो, पहली बार तो बोली हूँ जी, चढ़ाओ नहीं खाओ धोखा, मेरा जीना हराम कर दोगी, क्रिया खाई का, नाम जोड़ के हमसे अपना नाम कर दोगी, बाद में तुम मुझको बदनाम कर दोगी, नाम जोड़ के हमसे अपना नाम कर दोगी, बाद में तुम मुझको बदनाम कर दोगी, भरोसा नहीं है, नहीं है, नहीं 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 नहीं, अलग ही गाना है। के रहना आजाद है घात
बेटा तरू नाम कर लोगी बाद में तुम मुझको बदनाम कर दोगी नाम जोड़ के हमसे अपना नाम कर लोगी बाद में तुम मुझको नाम अच्छा रैप किया रानी चटर्जी ने एक सेल्फी तो दे दो वायरल करोगी सही है भाई सही है मैडम जी उठो मैडम जी चेकअप हो गया पवन जी के इसमें तो बातचीत चल रही थी स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो दो लड़कियां हैं उसमें से कोई एक शायद अक्षरा सिंह है और वो दो सोच रहे हैं मैं काम लूंगी फिर ऐसा ऐसा होता है मतलब वो तो सोच रहे होते हैं लेकिन ऐसा ऐसा होता है जो वीडियो में दिखाते हैं कि वो भी ट्राई मार रही है और पवन सिंह जी मतलब वही है ना मतलब यार लड़की एक स्माइल कर दे बस और हम लड़के लोग पागल हो जाते हैं मतलब अपना दिल हार जाते हैं यार हम बहुत लड़के लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं यार मतलब आई अंडरस्टैंड बॉयज नोबडी अंडरस्टैंड गर्ल्स इसमें तो यार मतलब एक तरीके से बेइज्जती कर दी यार मतलब नाम जोड़ के अपना नाम कर दोगी बाद में हमको बदनाम कर दोगी मतलब ऑसम यार ऑसम बहुत मज़ा आया मतलब जो हुक लाइन है ना बहुत अमेजिंग है मुझे तो याद हो गई और मज़ा भी आ रहा था गाने में और सुनने में एक ऐसा लगता है स्टोरी चल रही है गाने में और इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये तो भाई अक्षरा सिंह जाने और कौन जाने पवन सिंह जाने और कोई नहीं जानता भाई सब अनुमान लगाएंगे आप भी अनुमान नहीं लगाते हो रियल स्टोरी तो उन दोनों को ही पता है भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ अगर हम करें तो करें क्या बोलें तो बोलें क्या लेकिन गाना बढ़िया है हमारा वाला डांस अगर देखा जाए तो वो अलग तरीका गाना है ये अलग तरीका गाना है ये एक डिफरेंट सॉन्ग है लेकिन हाँ क्लास लग रही है जो पवन सिंह है वो स्मार्ट लग रहा है जो लड़कियां हैं वो अच्छी लग रही हैं ब्यूटीफुल लग रही हैं लोकेशन बहुत बढ़िया है तो लेवल तो ऊपर हो गया बॉस अब देखने वाली बात होगी आगे जो गाने आएंगे उसमें किस किस तरह के गाने होंगे और पिक्चरें जो आ रही है वो कैसी कैसी होंगी भोजपुरी सिनेमा के लिए अच्छी बात है और जो भोजपुरी ऑडियंस है वो खुश भी होती है कि उनका लेवल अप हो रहा है तो मज़ा आ रहा है देखने में भी और मेरे थ्रू और लोगों तक भी यू नो भोजपुरी सिनेमा पहुँचता और मैं चाहता था कि जब मैं रिएक्शन या कर रहा हूँ तो मेरा एक मोटो ये भी था एक मोटिव मेरा ये भी था कि यू नो मैं पंजाबी भी देखूँ भोजपुरी भी देखूँ साउथ का भी देखूँ बॉलीवुड भी देखूँ इंडिया की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब तक पहुँचे समझ रहे हो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो ये रिएक्शन अच्छा लगा हो सो प्लीज़ गिव थम्स अप एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स और नई चीज़ें देखेंगे मज़ा आएगा आपको तो पता है भोजपुरी गाने और ट्रेलर्स वगैरह देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है तो आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया हो और नेक्स्ट देखते हैं क्या वीडियो बनाते हैं और आप सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं और मेरा जो है जन्मदिन भी है तो आप में से जो लोग भी मुझे कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिखोगे मैं वहाँ रिप्लाई करूँ या ना करूँ लेकिन यहाँ पहले ही कर देता हूँ मतलब आप लोगों के विश करने से पहले ही कर रहा हूँ थैंक यू सो मच मैं लाइव भी आया था आज लेकिन वो लाइव ठीक से हुआ नहीं मतलब बहुत ख़राब हो गया था वो वीडियो क्वालिटी वगैरह तो मैंने डिलीट मार दिया लेकिन जो लोग भी उस टाइम पे आए थे उन सबको थैंक यू कि आप लोग उस लाइव पे आए उन लोगों ने मुझे विश किया तो मज़ा आया और आई होप आप लोगों की दिवाली अच्छी जा रही हो इन्जॉय करो प्यार से सबसे गले वले मिलो और जो भी आपके किसी के साथ ग्रजेस हैं कोई भी गिले शिकवे हैं उसे मिटा दो और मज़े करो और जब तक आप ये सब करोगे इसमें टाइम लग जाएगा ना गिले शिकवे मिटाने में तो मैं चलता हूँ टाइम देता हूँ फिर मैं आऊँगा फिर आप बताना आपके गिले शिकवे हटे या नहीं हटे ठीक है सो मेरे गेंद चूँ तब तक हंसते रहो मुस्कुराते रहो खुश रहो डू समथिंग प्राउड चाहते